सरिता। सरिता जी, आपके साथ क्या बदतमीजी की गई है बताइए पूरी बात। कौन लोग थे और कैसे क्या किया था, पूरी घटना बताइए। वो मुझे पिछले 2-3 साल से परेशान कर रहा था। एक बार उसने मेरा हाथ और पकड़ा था, दूसरी बार जब उसने ये हरकत करी मैंने उसके चाटा मार दिया, जब इसे वो चिढ़ रहा था। फिर कल मैं कोचिंग से आ रही थी, कल उसने फिर मेरे साथ फिर बदतमीजी करी। आप कोचिंग से आ रहे, कितने लोग थे वो? वो 3 थे। और करा क्या उन्होंने? टाइम मुझे गाड़ी में खींच लिया फिर और मेरे साथ बदतमीजी की। उसके बाद मैं बेहोश हो गई, उसके बाद कि मुझे नहीं पता। कितने लोग थे गाड़ी में? 3 थे। क्या नाम था जिसने ये? किसी को पहचानती हो उनमें से? एक को जानती हूँ। क्या नाम है उसका? निर्दोष भाटी। कब से परेशान कर रहा था वो आपको? 3 साल से। आपने इसकी शिकायत करी थी? किससे? उसके घर वालों से भी कहा था, तो उसके घर वालों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया और उल्टा ये कहते कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्या करती हो तुम? मैं इंटर क्लास में पढ़ती हूँ। मेरी लड़की ना मेरी होती तो बेटी हमारी कोचिंग से आ रही थी। हाँ। सिंहा रही थी, वाल्टो कार में थी। 3 लोग, उन्होंने गाड़ी लगा दी आके नाली खड़ी से निकली, बिल्कुल नाली में दाब के निकाल दी, निकल नहीं पाई। उसको गाड़ी के अंदर खींच ले गए, खींच के ले गए कहीं जंगल में। उसके साथ बलात्कार। कितने लोग थे वो? 3 लोग थे। क्या करते हैं वो लोग? एक को तो हम जानते हैं, निर्दोष भाटी है, हमारे घर के सामने रहता है वो, हम आवारा गर्दी करता है वो, काम कुछ काम कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, उनके खाने गए क्या? खाने गए थे? खाने वो लोग जाने नहीं दे रहे, पकड़ पकड़ के हम बैठा देते हैं। दूसरे उनके 2 साल हो गए। धमकी भी दी है उसको, वो कह रहे हैं मैं थाने खा, मैं उसका भाई कह रहा है मैं थाने खरीद लूंगा। एक बार और हाथ पकड़ लिया था इसने घर के, कहा हमने कहा हमारे साथ 2-3 बार मारपीट भी करी, 3-4 बार मेरे साथ मारपीट करी घर में बड़ बड़ के, गेट तक तोड़े हैं। अब वो तो लड़की तो बेहोश पड़ी थी, उसे बेहोश में छोड़ गए हैं, तो किसी ने बताया जब मैं लेके आया। उसके बाद इसने मुझे बताया बात है, पड़ी थी बेहोश घर के मंदिर के वहीं मंदिर के सामने उधर भी साढ़े रोड पे। क्या चाहते हो पुलिस वालों से, क्या उम्मीद है? हम पुलिस वालों से तभी मैं आप उनके पास आया हूँ, अब वो क्या करें पता है। पर ये मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिले। मैं बहुत गरीब आदमी, मेरी 4 बेटियाँ, मैंने कभी बेटी बेटा। लड़की क्या करती है? लड़की हाँ रेप करा। लड़की क्या करती है? 12वीं में पढ़ती है। निर्दोष पार्टी आपके पड़ोस में रहता है? अभी ये मिस्टर राम प्रसाद हैं, राम सनाफ राम कुमार, ये ग्राम गढ़ी निकट दुर्गा मंदिर कस्बा दादरी के रहने वाले हैं। ये अपनी पुत्री और एक अन्य महिला के साथ यहाँ पर आए और उन्होंने बताया कि लड़की ट्यूशन पढ़ने जब कल जा रही थी तो उसके साथ उनके सामने ही रहने वाले निर्दोष भाटी अपने अन्य 2 साथियों के साथ उसको ज़बरदस्ती किसी गाड़ी में बैठा लिया और नवीन मंडी के पास जा करके उसके साथ पूरा काम और बदतमीजी किया। ये पहली बार मेरे ही पास आए हैं, न तो थाने गए न तो क्षेत्र अधिकारी के पास गए। इनकी इस एप्लीकेशन पर अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया गया है। फिलहाल मामले की सत्यता पाए जाने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की गई। इस लड़की ने छेड़खानी और अपने ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया। प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, इस प्रार्थना पत्र को थानाध्यक्ष थाना प्रभारी दादरी को भेज दिया गया है और उनको निर्देशित किया गया है कि लड़की का मेडिकल करा करके इनका अभियोग पंजीकृत करें और जो भी शिकायत है उस बारे में जांच करके कानून के अनुसार करवाएं। मैं इनके पड़ोसन हूँ और इस लड़की को 2-3 साल से जीने नहीं दे रहे, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। कौन लोग? ये लोग हैं भाटी हैं बराबर में। उस लड़के का नाम निर्दोष भाटी है, उनके पिता का नाम, पिता नाम छोड़ दो, और उस लड़के ने कल बहुत बदतमीजी करी है लड़की के साथ में। लड़की पढ़ के अपने घर पे आ गई थी, फिर कोचिंग करने गई तो 2-3 लड़के गाड़ी में उस लड़की को खींच लिया अपनी तरफ। और सब्जी मंडी, नवीन सब्जी मंडी है वहाँ पे दादरी के अंदर, उसने जाके वहाँ पे ले जाके उसके साथ में ये नहीं पता क्या करा क्या नहीं करा, क्या बदतमीजी करी। लड़की बेहोश विशाल मंदिर के सामने डाल के चली गई, उसके बाप को पता चला, उसका बाप उठा के लेकर आया उस लड़की। फिर आप थाने गए, आपने इसकी शिकायत थाने में? ये थाने तक जाने नहीं देते, इतने बदतमीज लोग हैं, धमकाते हैं। हाँ धमकाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा एक एक लड़का उठा के ले जाएंगे।